आज देखिए जो ये थाली बनाई है, ये पिकनिक थाली बोल सकते हैं आप इसे। आप इसे टूर पर भी जो जाते हो ना, तो भी आप ये सब सब्जियां बना के ले जा सकते हो। सारी चीज़ें जैसे सूखी हैं, ये सूखी आलू की सब्जी हो गई, भिंडी की सब्जी है, फिर हमने ये नींबू की नुक्ती बोलते हैं इसे, नींबू की बूंदी ये बनाई है इन्होंने। इसका तरीका तो आपको इन्होंने बता ही दिया होगा रेसिपी में। तो आज बन रहा है सफर वाला लंच। लंच समझ लो, डिनर समझ लो, लंच मतलब जब भी हम सफ़र करते हैं या पिकनिक पे जाते हैं तो सब्जियां बनाने की काफ़ी अहड़क रहती है। वैसे तो गिनी चुनी सब्जियां ही होती है जो हम पिकनिक पे ले जाते हैं, तो आज मैं कोशिश कर रही हूँ आप लोगों को बताने की कि हम तो ये सब्जियां लेके जाते हैं, तो आप भी यही ले जा सकते हो या आप भी ये ले जाते होंगे। बिल्कुल, जो कॉमन सब्जियां हैं जो ज्यादातर लोग लेके जाते हैं वो इस वीडियो में हम आपको बताएंगे। ज़्यादातर तो लोग आलू की सब्जी लेके जाते हैं क्योंकि बच्चे बड़े सभी आलू की सब्जी खा लेते हैं, लेकिन जो लोग आलू नहीं खाते वो भिंडी की सब्जी भी ले जाते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं बनाना। तो सबसे पहले तो मैं भिंडी की सब्जी बनाऊंगी। तो मैंने 250 ग्राम भिंडी ली है और इन्हें इस तरह से काट लिया। आप गोल भी काट सकते हो, लंबी करके 4 पीस भी काट सकते हो। मैंने 2 पीस करे हैं और 2 हरी मिर्ची ली है। सरसों का तेल लिया है मैंने, आप कोई सा भी तेल ले सकते हो जो आप रेगुलर खाते हो। तो आप इसमें अजवाइन भी डाल सकते हो, मैं ओनली जीरा ही डाल रही हूँ। तो आधी चम्मच जीरा डालूंगी और मैंने तेल पहले गरम कर लिया था और थोड़ा सा मैं हींग डालूंगी। और जब भी हम कोई भी सब्जी छौंकते हैं तो छींटे लगते हैं, तो आप सबसे पहले हल्दी डालें और फिर भिंडी को छौंक दे। भिंडी और मिर्ची दोनों चीज डाल दिया मैंने, मिक्स कर लेंगे। गैस सिम रखें और जब भी कोई पिकनिक पे या दूसरे दिन हमें सब्जी खानी होती है सफर में लेके जाते हैं तो उसमें टमाटर नहीं डाले। टमाटर डालने से सब्जी में बदबू आने लग जाती है जल्दी। अगर आपको सेम डे खानी हो, जैसे कहीं बाहर गए हम पिकनिक पे होली पे जाते हैं, बाहर लेके जाते हैं, सुबह बना के लेके जाते हैं, दोपहर में खा लेते हैं, तब तो आप टमाटर डाल लीजिए। लेकिन अगर आपको आज ले जा रहे हैं सफर में, दूसरे दिन खानी है, तो आप उसमें टमाटर नहीं डालें। तो मैं इसमें धनिया पाउडर डालूंगी, तो 1 चम्मच धनिया पाउडर डाल देंगे। 1 चम्मच करीबन मैं लाल मिर्ची डालूंगी क्योंकि लाल मिर्ची मेरी तीखी नहीं है। आधा चम्मच नमक डाल देंगे, बस इसमें 4 ही मसाले डालेंगे और मिक्स कर लेंगे। और इन्हीं सब्जियों का आप बासेड़ा में भी बना सकते हैं। इन्हीं सब्जियों को बासेड़े में बना सकते हैं। मैं तो आलू और भिंडी दोनों ही बनाती हूँ और मिर्ची का अचार बनाती हूँ। रात को बना के रख दी? हाँ, रात को बना, अगले दिन खाने के लिए। तो बासेड़ा क्या होता है ये मैं बता देता हूँ कि बासेड़ा इस बार है 25 मार्च को और शीतला अष्टमी भी कहते हैं, शीतला माता को पूजा जाता है। तो इसे ढक देंगे, सिम आंच पे पकने देंगे। जब तक ये पक रही है तब तक हम आलू की सब्जी बना लेते हैं। तो मैंने 4 आलू लिए हैं और तेल मैंने सरसों का लिया। इसे हम कुकर में बनाएंगे। पहले मैंने तेल गरम कर लिया था, तब डाल के देख लेते हैं हम। आधी चम्मच जीरा डाल देंगे और आधी चम्मच राई डाल देंगे, राई ऑप्शनल है। और थोड़ा सा हम हींग डालेंगे और फिर इसमें हल्दी पाउडर डाल देंगे ताकि छींटे नहीं लगे। और फिर आलू डालेंगे इसमें, देखिए आराम से आप डालिए, कहीं भी छींटे नहीं लगेंगे। और हम एक ऐसी सब्जी लेके जाते हैं पिकनिक पे जो इतनी अच्छी लगती है हमको, मुझे उम्मीद है कि आप लोग ये सब्जी लेके नहीं जाते होंगे, तो मैं रिक्वेस्ट करती हूँ आपको कि वो सब्जी आप जरूर लेके जाएं। वो भी हम बताते हैं, अभी बताते हैं सीक्रेट सब्जी, हमारी एक्सक्लूसिव सब्जी। तो आधी चम्मच में नमक डालूंगी, मसाले आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग कम ज्यादा कर सकते हो। आधी चम्मच लाल मिर्ची डाल देंगे, आधी चम्मच धनिया पाउडर, साथ में मैं इसमें गर्म मसाला डाल दूंगी और साथ में मैं एक हरी मिर्ची ली है मैंने, इसमें डाल देंगे। टमाटर नहीं डाले, अगर आप पिकनिक के लिए बना रहे हो तो टमाटर को स्कीप करें। और थोड़ी सी मैं कसूरी मेथी डालूंगी, ये कसूरी मेथी है, अगर आपके पास नहीं हो तो आप स्कीप भी कर सकते हो, लेकिन इससे काफ़ी सब्जी का टेस्ट अच्छा लगता है। मिक्स कर लेंगे इसे। और आप बताइए सफर में आप कौन कौन सी सब्जियां लेके जाते हैं, आप भी बताइए कमेंट करके। तो मैं इसमें ज़्यादा पानी नहीं डालूंगी बस, क्योंकि अगर हम टमाटर डाल दें तो पानी डालने की आवश्यकता नहीं है, लेकिन मैं 2 टेबल स्पून करीबन पानी डाल रही हूँ।
और बस एक ही सीटी लेनी है हमें इसमें। एक सीटी आने के बाद हम गैस बंद कर देंगे, फिर हम खटाई के लिए अमचूर डालेंगे। तो इधर भी हम सब्जी को चेक कर लेते हैं एक बार। और इस वीडियो का आप शेयर भी कर सकते हैं उन लोगों में जो लोग ज्यादा ट्रैवल करते हैं, जिनका ट्रैवलिंग का रहता है काम। बाकी जैसे होली के आसपास सब्जियां नहीं आती, तब भी हमें आलू की सब्जी, भिंडी की सब्जी, और जो मैं अभी एक सब्जी बनाऊंगी वो आप बना सकते हो घर में भी, लंच में भी बना सकते हो, अच्छी लगेगी। इनकी एक और खास बात यही है कि इंस्टेंट है बिल्कुल। तो ये कंटिन्यू चलने देंगे। मैं तीसरी सब्जी बता देती हूँ जो पिकनिक पे ले जा सकते हो आप लोग। तो आप सोचोगे क्या पानी वाली सब्जी ले जा सकते हैं, तो मैं पानी वाली सब्जी आपको बता रही हूँ। पानी डाल लेंगे, आप सूखा हींग हो तो आप सूखा हींग भी डाल सकते हो। मैं पानी वाला, देखिए इसे बोलते हैं नींबू की बूंदी, पानी वाला हींग डाल रही हूँ। और अब इसमें मैं मसाले डालूंगी। सबसे पहले तो मैं भुना हुआ जीरा डाल दूंगी। भुना हुआ जीरा डाल देंगे, लाल मिर्ची डालेंगे इसमें टेस्ट के अकॉर्डिंग, सादा नमक, और इसमें पुदीना डालेंगे, पुदीना है, और काला नमक। थोड़ा सा हम काला नमक डालेंगे। एक सीटी आ गई है, हम गैस बंद कर देंगे। तो अब आप सोचोगे कि ये पानी की सब्जी हम सफर में कैसे ले जा सकते हैं, तो बस यही सीक्वेंस है। आप इसे मिक्स करके कोई भी एयर टाइट, जैसे आपके फ्रिज वाली बोतल होती है, आप उसमें भर के ले जाइए। और एक बर्तन जब भी आप कहीं जाते हो तो बड़ा ले, या फिर स्टील के डिब्बे में ले जाइए, और उसको अच्छे तरह पैक कर लीजिए पानी डाल के। और फिर आप बूंदी कब डालोगे, जब आपको खानी हो तभी इसमें बूंदी डालें, पहले नहीं डालें। तो आप पानी को अलग ले जाइए, बूंदी को अलग ले जाइए, बस ये पानी बना के ले जाइए, और इसमें दोने ले जाइए, या तो आप, या फिर आप कटोरियाँ ले जाइए, दोनों में से कोई भी चीज़ ले जा सकते हो। तो हमारी भिंडी की सब्जी भी हम चेक कर लेते हैं। भिंडी की सब्जी बन गई है। अब मैं इसमें खटाई में अमचूर डालूंगी, क्योंकि हम सफ़र के लिए बना रहे हैं। आप नींबू भी डाल सकते हो और अमचूर भी डाल सकते हो। तो देखिए कितनी अच्छी हमारी सब्जी बनी है, लुकिंग में भी देखिए, बिल्कुल सिंपल, बिल्कुल बिना प्याज लहसुन के। आप इस तरह से ट्राई ज़रूर कीजिए। घर में भी आप रेगुलर खाते हो तब भी आप इसे लंच में, डिनर में कभी भी बना सकते हो। तो ये सब्जी हमारी बन गई है, आलू की बन गई है, भिंडी की बन गई है, और बूंदी में मैं, फिर भी आपको बूंदी की सब्जी में कोई भी प्रॉब्लम आती है तो मुझे कमेंट्स करके आप जरूर पूछ सकते हो। तो मैं अब इसमें बूंदी डाल दूंगी। और ये बूंदी की सब्जी तो हम अक्सर जब बनाते हैं भिंडी के साथ, भिंडी के साथ या आलू की सूखी सब्जी के साथ लिक्विड हो जाती है, तो हमारे तो ये काफी पसंद करते हैं। नॉर्मल इसे बस रोटी के साथ ही खाइए। और आप चाहो तो कैरी, जैसे कच्चे आम आते हैं, उन दिनों में कच्चे आम की भी बूंदी बना सकते हो। मतलब पानी बना के ले जाइए आप पिकनिक में, और फिर खाइए आप इसको, इतना अच्छा ठंडे पराठे पूड़ी के साथ मज़ा आ जाएगा आपको खाने में। तो ये मेरी नमकीन बूंदी है, तो मैं इसमें बूंदी डाल दूंगी। तो बूंदी अलग डिब्बे में ले जाइए। अब अगर कुछ अलग करना है तो आपको ले जाना ही पड़ेगा, और नहीं तो बाकी आप भिंडी की सब्जी, आलू की सब्जी, मिर्ची का अचार, कैरी का अचार, सूखे करेले, कई सब्जियां होती है वैसे तो, काबली, वो काले चने भी होते हैं, मूंग मोट भी होते हैं। तो मैंने अभी पहला वीडियो बनाया है आपको पिकनिक या टूर पे कहीं भी बाहर जाते हो, तो मैं आगे और भी सब्जियां बताऊंगी आपको। तो जब भी खानी हो आप इस तरह से बूंदी डाल लीजिए, और फिर दोनों में परोसिए आराम से। ट्रेन में भी जाते हो तो आप मस्ती से इसे खाइए, और काफ़ी अच्छी लगेगी, हमें तो काफ़ी पसंद है। बाकी आप लोग खाओगे एक बार घर पे बना के, आप जरूर ट्राई कीजिए इस सब्जी को, तो आप सोचोगे वाकई मजा आ गया इस सब्जी को खाने में। बस ये भाप खत्म हो जाए, फिर हम चेक करेंगे आलू की सब्जी। मैं इसमें नींबू डालना भूल गई थी, तो जब भी हम, जैसे मैंने पानी बनाया था, बस उसके बाद आप इसमें नींबू डाल लीजिए। नींबू भी डाल के आप ले जाइए पानी में, या फिर अलग भी ले जा सकते हो, आप काट के भी डाल सकते हो, दोनों ही चॉइस है इसमें।
तो एक नींबू डाल दूंगी मैं, क्योंकि मैं नींबू की बूंदी है ये, और मैं नींबू डालना भूल गई। हो जाता है कभी कभी। तो आप नींबू पानी में पहले भी डाल सकते हो और बाद में भी डाल सकते हो, क्योंकि चाकू नींबू ये तो हम लेके जाते हैं सलाद खीरे ककड़ी, तो आप इस बाद में भी नींबू डाल सकते हो। कई बार नींबू का पानी थोड़ा ज़्यादा पुराना हो जाता है तो कड़ा भी हो जाता है, इसलिए आप नींबू बाद में डालो तो अच्छा रहेगा। लेकिन सेम डे अगर कहीं पिकनिक पर जा रहे हो और सेम डे खाना है तो आप नींबू पहले डाल के ले जा सकते हो, लेकिन दूसरे दिन खाना है तो नींबू बाद में डालें, जब बूंदी डाले तभी नींबू डालें। बस ये भी चेक कर लेते हैं। मैं इसमें खटाई में अमचूर पाउडर डालूंगी, 1/4 चम्मच करीबन अमचूर पाउडर डाल देंगे और मिक्स कर लेंगे। देखिए तो आप इसे बासेड़े पे भी बना सकते हो, ये ही सब्जियां सब। तो इसे बाद में निकाल लेंगे। तो ये हमारी आलू की सब्जी, भिंडी की सब्जी और नींबू की बूंदी, आप इसे लंच में भी बनाएंगे, पिकनिक पे भी ले जाइए। तो अब हम टेस्ट करके बताएंगे कि नींबू की बूंदी कैसी लगती है। लेकिन हम तो रोज करीब करीब खाते हैं तो हमें तो अच्छी लगती है, बाकी आप लोग बनाओगे तभी आपको पता चलेगा। तो मैं तो कहती हूँ आप आलू भिंडी तो बनाते ही हो, लेकिन नींबू वाली बूंदी ज़रूर ट्राई कीजिए। मेरे कहने से एक कटोरी, आप आधे नींबू से एक कटोरी बना के घर में पहले ट्राई कीजिए और फिर मुझे बताना। आप ठंडे पराठे पूड़ी से जरूर इससे ट्राई कीजिए। और इसे खाना कैसे, बस एक बार ये, और खाना कैसे, जैसे हम चपाती से खाते हैं बस उसी तरह खाएंगे, तो वो बता देंगे। अभी बताते हैं फिर हम, वो भी बता देते हैं। तो थाली लग के तैयार है और आज पापा बताएंगे कि कैसी बनी है सब्जियां। हेलो व्यूअर्स, जय जिनेंद्र सभी को। आज देखिए जो ये थाली बनाई है, ये पिकनिक थाली बोल सकते हैं आप इसे। आप इसे टूर पर भी जो जाते हो ना, तो भी आप ये सब सब्जियां बना के ले जा सकते हो। सारी चीज़ें जैसे सूखी हैं, ये सूखी आलू की सब्जी हो गई, भिंडी की सब्जी है, फिर हमने ये नींबू की नुक्ती बोलते हैं इसे, नींबू की बूंदी ये बनाई है इन्होंने। इसका तरीका तो आपको इन्होंने बता ही दिया होगा रेसिपी में। तो और जैसे आप नमकीन ले जाएंगे अलग से डाल के, मीठे में जैसे आप कोई भी सूखा सामान ले जा सकते हैं, काजू की कतली ले जा सकते हैं। जैसे इस समय होली चल रही है तो होली पर ये गुंजिया बनाई है इन्होंने। और अब मैं आपको ये बताता हूँ कि ये कैसे, नींबू की नुक्ती के बारे में हो सकता है आप लोगों के सवाल होंगे कि नींबू की नुक्ती कैसे खाई जाए, नींबू की बूंदी। तो इसके बारे में बता देता हूँ कि जैसे नींबू का पानी आपने बोतल में ले लिया और बूंदी आपने सूखी ले गए, मसाला डाल लिया पानी में, फिर आप इसको पानी को जैसे धोने वगैरह आप ले जा सकते हैं टूर पे। यूज एंड थ्रो ही सामान लेके जाइएगा, जो भी लेके जाते हैं तो धोने ले जाइए, धोने में ये डालिए वहाँ पर बैठ के आराम से, और ये डालिए नुक्ती और फिर थोड़ी सी काफ़ी अच्छी, और इसे फिर खाइए, बहुत ही अच्छी लगती है, बहुत टेस्टी लगती है। तो मैं पहला जो मेरा ग्रास है वो मैं खा रहा हूँ भिंडी की सब्जी से। मैंने तो बूंदी से वाओ, अब आप बूंदी से ऐसे भी खा सकते हैं, बूंदी से तो बिल्कुल इसको ट्राई करना तो आप बनता ही है आपका, ट्राई जरूर से कीजिएगा। और आप ये बूंदी का पानी पियेंगे बहुत टेस्टी है। एक तो क्या है कि सफर में पाचक भी है ये, नींबू का पानी लेंगे आप खाने के साथ में तो नींबू बहुत अच्छा भी रहता है पेट के लिए भी, और बहुत अच्छा लगेगा। आप इसको ट्राई कीजिएगा साथ में, कभी भी पिकनिक पे जाते हो नींबू की बूंदी को जरूर ट्राई कीजिएगा। हमारे तो जब भी हम लोग कहीं भी बाहर जाते हैं लेके, तो अनीता ये सब कुछ सामान साथ में लेके जाती है और सब लोग एंजॉय करते हैं।
तो बस उम्मीद करते हैं वीडियो पसंद आया है। थैंक यू वेरी मच। आप इसी तरह से अनीता जैन को फॉलो करते रहिए, मम्मा की रसोई को, अनीता जैन रेसिपीज को, दोनों चैनल्स को फॉलो करते रहिए और आपका प्यार देते रहिए। थैंक यू वेरी मच।